मेरा जी आप मऊ घोसी उपचुनाव में क्या प्रभाव पड़ रहा है जी? आप आइए घोसी उपचुनाव में क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है, यहाँ से समाजवादी की सीट निकल रही है, जनता भारी से भारी मात्रा में सहयोग साथ आशीर्वाद दे रही है और भारी से भारी मतों से जो सुधाकर सिंह जी है वो जीत रहे हैं। यहाँ पे लगभग 70,000 निषाद समाज के लोग माने जाते हैं, निर्णायक होंगे, क्या लगता है? बहुत अच्छे से जो है वो साथ देंगे, निषाद समाज के सम्मानित लोग हमेशा ही मेरा साथ देते हैं और हमेशा ही समाजवादी पार्टी का साथ देते हैं। आपके जो मंत्री बीजेपी के जो सहयोगी मंत्री हैं निषाद जी, उन्होंने कहा कि आप उनकी बिरादरी के ना उनके घर की है ना आप मलाह बिरादरी में पैदा नहीं, आप पहले जाकर पता करें कि मलाह बिरादरी में है या नहीं। ऐसा है कि हमारे ससुर जी है वो किसी भी महिला की कभी इज्जत करते ही नहीं, अगर उनको महिला की परवाह होती तो सर्वप्रथम राम जी की जो माताश्री है कौशल्या माता का अपमान नहीं करते, जो वो कौशल्या माता का अपमान करने से नहीं चुकते हैं, उनके ऊपर गलत और अभद्र टिप्पणी करने से नहीं चुकते हैं तो वो काजल निषाद को क्या समझेंगे, वो किसी भी महिला को कुछ नहीं समझेंगे, ठीक है। और सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि महिला की कभी कोई जात होती ही नहीं। मैं पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाहती हूं कि आपकी माताश्री जो है वो आपके पिताजी के नाम से जानी जाती है कि मायके के नाम से जानी जाती है? छोटा बच्चा भी ये समझता है, छोटा बच्चा भी ये जानता है कि महिला की कोई जात नहीं होती, शादी के बाद वो अपने पति के नाम से जानी जाती है, वो अपने ससुराल के नाम से जानी जाती है, अपने ससुराल को संवारती है, सजाती है, ताउम्र जिंदगी भर अपने ससुराल में रहती सेवा करती, कभी भी बेटी की जो डोली है वो मायके से उठती है, अर्थी जो है वो ससुराल से उठती है। तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ वो किसी भी महिला की कभी इज्जत करते ही नहीं, जो राम की माताश्री को कुछ नहीं समझे हैं वो किसी को कुछ नहीं समझे। क्यों आप भाजपा ही जो है जितने भी है भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको बुरा नहीं लग रहा है, उनके दिल पर ठेस नहीं पहुंच रही है, सनातन धर्म का अपमान नहीं हो रहा है, राम की माताश्री को जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी वाले गोद में लेकर बैठे हैं? क्यों वो जो बड़े बड़े संत जो अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं कि हम जूता फेंकवा देंगे, हम हाई करवा देंगे, हम सरेआम इनको मार डालेंगे, काट डालेंगे, ये जो बड़े बड़े संत बोलते हैं जब किसी इनको लगता है कि भगवान का अपमान हुआ तो अब राम जी का अपमान नहीं हुआ, माता कौशल्या का अपमान नहीं हुआ। किस तरह से उन्होंने कहा है कि खीर खाने से कोई बच्चा पैदा नहीं होता, किस पर टिप्पणी कर रहे हैं? तो मेरे भाई जो इस तरह से मानसिकता अपनी गिराकर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, भगवान की माताश्रियों को जो नहीं छोड़ते हैं वो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। जन्म ली है उसको कह रहे हैं कि बहुत संशय बना हुआ है। ऐसा है कि उनको अभी भी ये भ्रम है कि निषाद समाज के सम्मानित लोग उनके साथ है, लेकिन ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो प्रवीण निषाद जी जो है वो सांसद है संत कबीर नगर और मेहदावल में भी जो निषाद पार्टी के विधायक हैं अनिल त्रिपाठी जी, वहां पर जब मैं चुनाव प्रचार करने गई थी मेरे भाई रमेश निषाद जी का जो नगर पंचायत वाला जो चुनाव था, मामूली बिचारा जो है एकदम गरीब तरकारी बेचने वाला उनका प्रचार करने गई थी और वहां भारी से भारी मात्रा में हमारा रमेश निषाद भाई जो है वो जीता है। क्यों? वहीं पे विधायक जी जो है निषाद पार्टी के और जो सांसद जी है प्रवीण निषाद जी वहीं से सांसद है, बहुत रैलियां किए थे कि बाप बेटे मिलकर बहुत रैलियां किए थे उस गरीब भाई को हराने के लिए। निषाद समाज का गरीब बेटा अगर जीत रहा था ये इनको पचता नहीं है तो ये निषाद के हितेशी बनेंगे। काजल निषाद जब महापौर का चुनाव लड़ी थी ये बहुत रैली किए थे हमको हराने के लिए, बहुत तिकड़मबाजी किए थे, और वही महापौर का चुनाव जब मैं लड़ रही थी तो इसके पूर्व जब भी कोई लड़ता था महापौर का चुनाव लड़ते थे तो 70,000-80,000 वोट पाते, लेकिन इस बार मेरे सम्मानित जनता ने मुझे इतना सहयोग आशीर्वाद दिया, मेरे सम्मानित समाज ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि मैं 161,889 वोट पाई थी मेरे भाई। कैसे मिला मुझे? तो क्या निषाद समाज इनके साथ है कि मेरे साथ है? यहीं से आपको पता चल जाएगा। जहां जहां मैं अपने निषाद भाइयों का प्रचार करने गई थी, चाहे वो सिद्धार्थ नगर हो चाहे आजमगढ़ हो, जहां गई थी वहां भारी से भारी समाज ने सम्मान दिया है। तो इनके बोलने से कुछ नहीं होता, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये सिर्फ अपना भला चाहते हैं, अपने ऐशो आराम के लिए ये खड़े हुए हैं। निषाद समाज अच्छी तरह से समझ गए हैं कि अब आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, हर घर निषाद समाज के यहाँ दिल में बोर्ड लग चुके हैं।
कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अपनी थाली जो भोजन भरी थाली है खुद डकारने का काम करते हैं। ये निषाद पार्टी से मंत्री नहीं है, या निषाद पार्टी से इनका बेटा जो है विधायक नहीं है, निषाद पार्टी से इनका बेटा जो है वो सांसद नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी से तीनों के तीनों। और कहीं बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं तो यही तीनों चेहरे दिखाई देते हैं, और निषाद समाज में कोई लोग नहीं है। घोसी में प्रचार कर दो चारों वो प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। घोसी की महा जो सम्मानित जनता है वो अच्छी तरह से समझ गई है कि सब तीतर है, जो भोले भाले समाज को बहेलिया के कहने पर समाज को जाल फेंक कर जो है ले जाने आए हैं, सब पूरा सम्मानित समाज हमारा समझ गया। इनके तीतरों से घूमने से कुछ नहीं होगा। यहाँ काजल निषाद आ गई है और काजल निषाद को हमारी जनता जो है और हमारा समाज जो है वो बहुत प्यार सहयोग आशीर्वाद देता है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद भी करती हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रहे भैया, वही जिन्होंने कहा था कि योगी जी को हम कटोरा लेकर भीख मंगवाने का ट्रेनिंग देंगे, वही ओम प्रकाश राजभर जी। अच्छा, वही जो जो चुनावी मेढे के बहनी जी जी यहाँ से वहाँ जो कूद रहे हैं, वही ना योगी जी को भीख मंगवा रहे थे। योगी जी उनका लालन पालन करेंगे, चाहे कि योगी जी जो है और भारतीय जनता पार्टी जो है इनको कोई कितना भी गाली दे, चाहे राम की माता का अपमान करे, चाहे स्वयं योगी जी का या मोदी जी का अपमान करे, लेकिन इनको ये लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि इस आदमी के आने से हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, तो वो तुरंत ही दूध के धूले बनकर वहाँ शामिल होंगे, तो उनको अच्छा से लालन पालन करेंगे, अच्छा से चरण चुंबक करेंगे। आपने भी कहा कि तीतर है, कौन तीतर है? तीतर है भैया, हमारे समाज के कुछ लोग तीतर है जो बहेलिया के कहने पर आए हैं, इनको लगता है। अरे जिनका भी आप नाम ले ले भैया, हमारे सम्मानित समझा, अच्छी तरह से समझ रही है, समझ रहे भैया? समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ समझ रहे हैं, जनता समझ रही है, हमारा समाज समझ रहा है। बोले समाज खुद ये नाम बोले कि यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। अच्छा, उनके बोलने से मतलब हरिश्चंद्र हो गए है क्या, सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गए है क्या राजभर जी? हाँ, वो तो कहे थे कटोरा पकड़ाएंगे, भीख मंगवाएंगे, ट्रेनिंग दिलाएंगे योगी जी को, दिए अम्मा? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए अम्मा कह रही है तो वो सही है, तो पहले बोले वो पहला वाला काम होगा, ठीक ना? उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। जनता मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी मेरे भाई, जनता को महंगाई सता रही है, बेरोजगारी सता रही है, जो मासूम बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है, जो कानून व्यवस्था या लचर पड़ी हुई है, जनता उन पर चुनाव लड़ेगी, ठीक?